रंजिता सेट्टी हेले कोदला एनएसी रो डेपुटी चेयरमैन 10 नंबर वार्ड रो महिला काउंसिलर प्रार्थी भावे बीजेपी रो प्रतिद्वंदिता करी रंजिता विपुल वोट रे विजय हेतिले। खुशी तो अच्छी मु धन्यवाद देवी कोदलावासी को जेहेतु एत परिमाण वोट दे मते जिते थिवारु धन्यवाद अशेष अशेष धन्यवाद आम चेयरमैन भाई को धन्यवाद आउ मो काउंसिलर भौनी माने भाई मानो के भी धन्यवाद। 10 नंबर वार्ड काउंसिलर तंग भाई चेयरमैन सिलेक्ट हाई चंती तंग मु आज स्वागत करू छी। आमे मिलीमिशी किमिति कोदलार स्वच्छ निर्मल आउ किमिति स्वच्छ उठरे आमे काम करू से सार आमे आज शपथ नेलु। कोदला एनएसी रो पौरा उपाध्यक्ष पदवी पाई रंजिता जणे मात्र प्रार्थी भाबे बीजेपी पक्षरु नामांकन पत्र दाखल करथे बळे से निर्द्वंद निर्वाचित होइछंती। उपाध्यक्ष भाव में निर्वाचित होता रंजिता सेट्टी को बीजेपी वरिष्ठ नेता और कर्मी एवं अध्यक्ष सूर्यनारायण नायक अभिनंदन जनई। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व में कोदला एनएसी जनसाधारण एवं कोदलार भोटर भाई भाई समस्ते भारतीय जनता पार्टी आशीर्वाद कर काउनसिल कथा कहते आपड़ा देखिए शासक दल किपर भाव या प्रभावित कर भाइस चेयरमैन को क्रस भोट कर चेषा कर भयभीत करा चेष्टा करते आम निर्वाचन कमिशन भेटला शिथिल आकार पहुँची कहीपरि या निश्चय आगामी दिन में भारतीय जनता पार्टी कार्यानुषान नब। देखु यह हूँ कदलावासी विजय कदलावासी आमको बहु भोट दे जीत 13 काउनसिलर 8 काउनसिलर थी आमर बहुमत थी तथापि बीजेडी वाला घोड़ा बेपार कले प्रशासन को लगे आमर 2 नंबर काउनसिलर घरे गाड़ी में बंदूक रखिले तांको ससुर को आनी बसईले से माने चाहिले जे क्रॉस वोटिंग करिया से जानिया दरकार भारतीय जनता पार्टी गेरुआ दल कहते आम माँ सरस्वती को पूजा करूँ और माँ दुर्गा को भी पूजा करूँ से तार उचित आम जवाब आज इलेक्शन थी सरला आज इलेक्शन आग को यार उचित जवाब दिजा कदला आउ ए विजय हूँ कदलावासी विजय से उचित प्रार्थी एवं उचित दल को बाछी से मोर समस्त कदलावासी को नमस्कार। कदला एनएसी रो मोट 13 वार्ड रु बीजेपी 8 वार्ड रे विजय होता बेले बीजेडी खाता को 3 वार्ड जाइतिला। सेपरि जणे स्वाधीन प्रार्थी मध्ये निर्वाचित होइतिले एवं आउ गोटे वार्ड प्रतिद्वंदी नथिबा जुगु निर्वाचन होइ नथिला तेबे अप्रतिद्वंदी थिबा वार्ड काउंसिलर पद बीजेडी हातेछि। अपरपक्षे स्वाधीन भावे विजय होइतिबा वार्ड काउंसिलर भगवान पाड़ी मध्ये बीजेडी रे योगदान करथिबा जणा पड़छि। बेगुनियापड़ा रु बापुनी कुमार मालुंग रिपोर्ट फ्री टू स्पीक डॉट इन।